दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो मेरा जो मशीन है देख रहे हैं, इसका टाइमिंग का प्रॉब्लम है, टाइमिंग घूम गया है। ये जो नट है टाइमिंग का, इसका तो वीडियो डाला हुआ है लेकिन अभी फिर से टाइमिंग मिलाएंगे। तो इससे क्या हुआ, टाइमिंग घूम गया इसलिए मशीन बहुत साउंड कर रहा है। तो एक्यूरेट टाइमिंग नहीं मिला हुआ है क्योंकि नीचे से मिल गया, यहाँ से नहीं मिला, इसीलिए साउंड कर रहा है मशीन। तो ये जो एक नट ढीला किया मैंने, ये दूसरा नट ढीला कर रहे हैं। तो आपको आज टाइमिंग मिला कर दिखाते हैं वीडियो। पहले तो किसी बोला हुआ है, मिलाया हुआ नहीं है। तो ये अभी जो ढीला किए हैं, अभी देखिएगा ये जो नट घुमाए, ये जो मशीन का चक्का जो रोल हो रहा है, ये जो घुरा रहा है आस्ते आस्ते। सबसे पहले ये चाप उठाना पड़ेगा। ये जो चाप मैं उठा दिया, अब इसमें मैं यहीं पर आप लोग देखिए दांत का सामने कैसे टाइमिंग मिलाया जाता है। तो वहाँ से तो एक साथ दोनों देखा नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो बेजी रड देख रहे हैं घूर रहे हैं, ये जो बेजी रड जो घूम रहा है देखिएगा ध्यान से। तो अभी इसको सबसे पहले बेजी रड एक नाथ पकड़ के मैं घुरा रहा हूँ, चाल टू जो टाइमिंग में घूमने नहीं दे रहा। देखिए डाउन हो गया। अब ये उठने का टाइम है, अब उठेगा। तो ये उठ रहा है, तो इसको सबसे पहले इसको फिर टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइट करना पड़े, इतना मैं रुका के यहाँ पे दिखाइए था मोबाइल, बस यहाँ पे अब ये नट रुकाया हूँ। तो इसको पहले टाइट करेंगे क्योंकि ये जहाँ पे सेटिंग होगा वहीं पे चला जाता है। तो ये इसको इधर हो गया है ज़्यादा, इसलिए साउंड आ रहा है। तो इसको प्रॉपरल जैसे होना चाहिए, ये घस जाता है, लूज है तो इसलिए इधर उधर हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम इसको अपना नेचुरल जो सेटिंग था उसी पे ले जा रहे हैं। अभी बराबर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसे बुशिंग में घिसाएगा नहीं, साउंड नहीं करेगा। तो इसको इन नट को टाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है नट में, स्क्रू ड्राइवर में। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको एक नट को सिर्फ टाइट कर रहा हूँ, पहले सिर्फ एक नट को, इसमें दो रहते हैं, दोनों टाइट नहीं किए हैं। अभी सबसे पहले इसको मशीन को घुमा रहे हैं, रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मशीन मेरा अब टाइमिंग तो अभी देखिए यहाँ पर आया है। तो अभी ऐसा हो रहा है, अभी बेजी भी साथ में जा रहा है, खेल रहा है, और रड भी सेम साथ में खेल रहा है। तो ये तो टाइमिंग मेरा नहीं हुआ अभी। तो इसको फिर से ये नीचे वाला को दांत ज़्यादा नीचे चला गया था इसलिए उसको उठाया। अभी ये इसका जो गुना है, ये नट जो है, ये इसको थोड़ा सा ढीला किए, उसके बाद में ये भी नट ढीला किए। तो अभी हम नीचे से मिलाए थे, अब उसको ऊपर से मिलाएंगे, ऊपर वाला नट से। अब वहाँ पे देखिए उतना में छोड़े हैं, बेजी को ऊपर करके मिलाए हैं। अब इसको टाइट कर रहे हैं, फिर से एक बार चेक करेंगे क्योंकि ये टाइट हो गया वहाँ की तरह दिखाइए मोबाइल। अब देखिए अब बेजी उठ रहा है, अब बेजी उठ रहा है तो दांत मेरा खेल रहा है। अब क्या होगा, अब टाइमिंग मेरा परफेक्ट मिल गया, लेकिन फिर भी हम आपको बेजी और थोड़ा सा बेजी का रड जो है मेरा थोड़ा सा उठेगा, फिर मतलब उठेगा टाइमिंग से उठेगा, इधर दिखाइए फिर। अब टाइमिंग से उठेगा रट। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो इसको हल्का सा ढीला किया हूँ, तो मेरा पहले थोड़ा सा बेजी का रट उठेगा, तो वो भी टाइमिंग से उठेगा, याद रखिएगा दोस्तों, टाइमिंग से उठेगा। ज़्यादा उठेगा तो फिर मशीन आगे जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप अपना मशीन को टाइमिंग घूमने से मिला सकते हैं। और यदि साउंड ज़्यादा कर रहा है मशीन, तो ये टाइमिंग घूम जाने से भी मशीन का साउंड होता है। और साउंड कम करने का और एक तरीका है, मशीन में पूरा ऑयल डालिए, अच्छा से ऑयल से साफ करिए, आपका मशीन आपको पता है। तो अभी मेरा टाइमिंग जो देख रहा हूँ, अभी मेरा परफेक्ट है। तो अभी सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करूँगा मशीन किस तरह से खेल रहा है। तो सबसे पहले दिखाइए, तो अभी हर मशीन का अलग अलग रहता है, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग सेम ही है,
लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, कोई मशीन का जाम रहता है, कोई मशीन का फ्री रहता है चलने में। तो अभी सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा खेल रहा है कैसा, साउंड कम हुआ ना ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा हट जाओ, तेल फेंकेगा उधर, कपड़ा खराब हो जाए। तो टाइमिंग मिलाया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा इसका हुक हुक निकाल लेना। क्या भेजी बोबिन टेस्ट ठीक किया, क्योंकि ऐसे घुमाया तो मशीन भेजी रेड में प्रॉब्लम देता है। लगता है हुक में टाइमिंग मिलने टाइम में ज़्यादा चक्कर घुमाया ना, तो उसमें सूता फंस गया। तो मेरा YouTube चैनल में कमेंट करिएगा कोई भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम जानकारी चाहिए। तो आप सबसे विनती है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मशीन का टाइमिंग मिल गया, उसके बाद मशीन का साउंड कम हो गया। ये मशीन का मेरा टाइमिंग हो गया मेन मशीन का। ये जो मशीन है मेरा, इसका टाइमिंग मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं ना कैसे भाग रहा है। अब आगे पीछे का भी टाइमिंग दिखा दे रहे हैं, अब बेग लोक मारने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा मशीन का। देखिए आराम से बेग आ रहा है, मशीन का साउंड भी कम हो गया। तो मेरा टाइमिंग था भागने का। तो धन्यवाद, मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने के बाद में लाइक कर दीजिएगा। टाइमिंग मिलाने आई होप आप लोग सीख चुके होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो अच्छा से फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल।